तब्दीली सरकार भी लीगी दौरे हुकूमत के नक्शे कदम पर। लोड शेडिंग से बचाव के लिए पंजाब हुकूमत बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड होल्डर्स को मुफ्त सोलर पैनल भी देगी। पीटीआई हुकूमत भी लीगी दौरे हुकूमत के नक्शे कदम पर चलने लगी। पंजाब हुकूमत बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत सोलर पैनल देगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड रखने वाले तबके को मुफ्त सोलर पैनल तकसीम किए जाएंगे। तफसीलात जानते हैं, अली डामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा सोलर पैनल कब तकसीम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, साबिक दौरे हुकूमत में जब शहबाज शरीफ का दौरे हुकूमत था तो तब सोलर पैनल की तकसीम तलबा में की गई। अब इस पर जब मौजूदा हुकूमत अपोजिशन में थी तो बहुत ज़्यादा तनकीद की गई इस मनसूबे के ऊपर, लेकिन अब नए माली साल में महकमा पंजाब की सिफारिशात हैं कि BISP प्रोग्राम के, यानी कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सोलर पैनल लोगों में तकसीम किए जाएँ। अब बेनजीर इनकम सपोर्ट उन लोगों के पास है जो कि गरीब तबके से जिनका तल्लुक है, और अब उनको सोलर पैनल पंजाब हुकूमत तकसीम करेगी। और नए माली साल के बजट में बाकायदा 20 करोड़ रुपये का फ़ंड मुख्तस करने की सिफारिशात वो भी की गई हैं, और महकमा तवानाई 20 करोड़ रुपये की लागत से सोलर पैनल वो बेनजीर इनकम सपोर्ट के जो कार्ड जिनके पास होगा उन शहरियों को ये सोलर पैनल मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। अब इसके लिए आइंदा माली साल के बजट के हवाले से महकमा तवानाई पंजाब ने बाकायदा ये प्रपोज जो है वो ड्राफ्ट किया था, तो उसको अब नए माली साल के बजट में बाकायदा शामिल भी कर लिया गया है, और इस पर वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा मंजूरी भी दी है कि आइंदा आने वाले माली साल में पंजाब हुकूमत ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में जिस जिसके पास बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड होगा उनको मुफ्त सोलर पैनल हुकूमत पंजाब की तरफ से दिए जाएंगे। तो बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ये साबिक दौर हुकूमत में भी मंसूबा शुरू किया गया, लेकिन अब लीगी दौर हुकूमत के मंसूबे पर तब्दीली सरकार जो है वो भी इस मंसूबे को दोबारा से शुरू करने जा रही है। वो तलबा के लिए था, लेकिन ये आम आदमी के लिए जिनके पास बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड होगा वो ये मुफ्त सोलर पैनल ले सकेगा। जी शुक्रिया आपका।